अगर आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आपका काम मैंने आसान कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए दो स्टॉक जिन्हें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो कल के लिए, उससे अगले दिन के लिए अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिए, क्योंकि दोनों स्टॉक्स के अंदर बन चुका है एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। और आप सभी को मालूम है कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद में किस तरह की तेजी इन स्टॉक्स के अंदर आती हुई नजर आती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दो स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आगे वीडियो में बढ़ूंगा उससे पहले डिस्क्लेमर है, इस वीडियो के अंदर हम जिन स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक एजुकेशन के मकसद से है, खरीदारी बिकवाली करने की मेरी कोई राय नहीं है। जो भी कुछ आपको करना है अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर आप कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का जो अपना पहला स्टॉक है वो ग्लेनमार्क फार्मा का है, तो इसके ऊपर भी हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था कि कौन से लेवल के ऊपर निकलने के बाद बाय करना है। तो सबसे पहले तो बात बताऊं, ग्लेनमार्क फार्मा एक अपट्रेंड में चल रहा है, एक राउंडिंग बॉटम इसके अंदर पैटर्न बन रहा है, 750 के लेवल से हम लगातार स्टॉक के ऊपर बुलिश है। अब यहां पर आपके लिए डे चार्ट है, डे चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक ने देखिए यहां पे एक रेंज बना ली है, 5 या 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन से यहां पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन इसके अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं रेंज की बात करूंगा, 1030 सपोर्ट का लेवल है और 1060 इसका रेजिस्टेंस का लेवल है। इस 30 रुपए के बॉक्स के अंदर स्टॉक पिछले 5 दिन से यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ग्लेनमार्क फार्मा को वॉच लिस्ट के अंदर एड करना है। बस इस रेंज के जैसे ही बाहर निकल जाएगा 3 से 4% की तेजी के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को बाई करना है। तो ये तो था इसका 1H का चार्ट, मैं अब इसको सॉरी 1H का नहीं, ये डेट चार्ट था, अब मैं इसको 1H के चार्ट पे आपको ले चलता हूं, जिसकी वजह से मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है। तो देखो भाई, सीधी बात है, यहां पर सबसे पहले तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बना चुका है, साथ में जहां पे ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारी 20 EM है, यहाँ पे जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम ऑलिजुअल कहते हैं वो भी इसके अंदर बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं सीधी सीधी बात करूं, स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी के बाद में इस रेंज के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे इसके अंदर एक टाइम करेक्शन हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो पिछले इस ग्रीन कलर के अंदर ही आज पूरा दिन निकाल दिया ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक ने, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो सीधा सीधा 1065 रुपए के ऊपर ग्लेनमार्क फार्मा का जब स्टॉक निकल जाएगा तब आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, देखो मैं अगर पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे इस पैटर्न के जो लोअर एंड है 1030 का, वहां पे आपका स्टॉप लॉस बनता है। अब आप ये कहोगे यहाँ पे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 का हो गया कि भैया 30 रुपए का प्रॉफिट है, 30 रुपए का रिस्क है। तो देखो भाई, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तब स्टॉप लॉस 1030 का रखिए, ठीक है जी। और ब्रेकआउट के बाद में जब स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके लो के नीचे का, तो ये लो कितना है अपने पास 1052 का, ठीक है जी। फिर 1052 रुपए के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, फिर आपकी रिस्क मैनेज हो जाएगी। टारगेट क्या लेके चलेंगे, यहाँ से 1090 का पहला टारगेट, 1020 का हम यहाँ पे सेकेंड टारगेट लेके चलने वाले, दो टारगेट रहेंगे। दूसरे वाला गलत बोल दिया, मैं वापस बोल देता हूं, 1090 का अपना पहला टारगेट, 1120 रुपए का अपना सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर 1120 रुपए निकलता है तो फिर उसके ऊपर आप खुद देख लीजिएगा, 1120 पे आता है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा चार्ट है ग्लेनमार्क फार्मा का। तो इस तरह से अपना पहला स्टॉक है वो ग्लेनमार्क फार्मा का है। मैंने क्यों सिलेक्ट किया ग्लेनमार्क फार्मा को, वो आपको खुद को नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब हम आज के सेकंड स्टॉक पर चलते हैं। आज का अपना जो सेकंड स्टॉक है वो उषा मार्टिन का है, इसको भी हमने लास्ट टाइम पे टेलीग्राम पे अपडेट किया था बाइंग के लिए और कविता की BTST की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने स्विंग ट्रेडिंग के क्यों सेलेक्ट किया, उससे पहले आपको इसका थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह का ट्रेंड है। तो यहाँ पे उषा मार्टिन के अंदर आपको एक साइडवेज ट्रेंड नजर आ रहा है कि स्टॉक के अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम में एक रेक्टेंगल बन रहा है, 375 रुपए से लेके 380 रुपए का ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूंगा तो 280 रुपए का सपोर्ट है, यहाँ पे आपको देखिए बार बार नजर आ रहा होगा। तो इस 100 रुपए की रेंज के अंदर लगभग जुलाई अगस्त से ये स्टॉक लगातार यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस 100 रुपए की रेंज के अंदर भी एक लेवल और है जिसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो ये येलो कलर का जोन है जो 335 रुपए का है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि देखो ये रेजिस्टेंस रहा, ये रेजिस्टेंस रहा, इसके बाद ये रेजिस्टेंस रहा, ब्रेक हो गया तो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ
नजर आ रहा है। तो मोटा मोटी स्टॉक के अंदर फिलहाल एक साइडवेज के अंदर चल रहा है, रेक्टेंगल एक बड़े टाइम फ्रेम का बन रहा है। अब हमने इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों सेलेक्ट किया है, मैं उसके ऊपर आपको पहले 1H के चार्ट पे ले चलता हूं। देखो भाई, मैंने अभी कहा था कि 335 रुपए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो 335 का ये लेवल है, ये कलर, ये अपना जो येलो कलर का जोन है, यहाँ पे लगातार ये रेजिस्टेंस बन रहा था। अब ब्रेकआउट के बाद देखो तो मैं काउंट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 दिन हो चुके हैं। 11 दिन से उषा मार्टिन का स्टॉक एक इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। रेंज कितनी है मेरे पास में, 335 रुपए से लेके 346 रुपए की, इस 10-12 रुपए की रेंज के अंदर यहाँ पे काम कर रहा है स्टॉक। एक नैरो रेंज के अंदर फंस चुका है, हम इसको एक नैरो रेंज भी कह सकते हैं 11 दिन की, ठीक है जी। इस वजह से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। टारगेट क्या नजर आएंगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टारगेट के लिए मैंने आपको बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा दिया है। 375 रुपए भैया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपने पास में, ये अपने उषा मार्टिन के टारगेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे तो मोटा मोटी मैंने आपको डे चार्ट दिखा दिया है। मैंने सेलेक्ट क्यों किया है, जैसे मैंने अभी ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट देखा था ना, सेम टू सेम इसका भी वैसा ही चार्ट है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1H का चार्ट, ठीक है जी। 1H के चार्ट में देखेंगे ना तो हुआ क्या है, स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी के बाद, मैं सब यहाँ से यह डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी, ये अब ठीक है जी। और यहाँ पे देखेंगे, मैं 20 में लगा लेता हूँ, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अपनी ये 20 ए में है, इसका टाइम करेक्शन हो चुका है। तो इस स्टॉक के अंदर भी क्या हुआ, देखो 280 रुपए से 335 आ गया, एक अच्छी खासी तेजी के बाद में स्टॉक में टाइम करेक्शन हो रहा है। तो ये टाइम करेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है लगभग कंप्लीट होने वाली है उषा मार्टिन के स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर 375 के टारगेट के लिए आज का जो हाई है, आज का हाई 348 रुपए, इसके ऊपर जब उषा मार्टिन का स्टॉक निकल जाएगा आप बाई कर सकते हो 370 से लेके 375 के टारगेट के लिए। भाई देखो स्टॉप लॉस क्या है, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के अंदर बताया था मैंने, हमारा सपोर्ट का लेवल है इसमें लगभग 330 रुपए का, ठीक है जी। 330 रुपए के पहले स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे, एक बार जब आपके बाइंग के भाव से ऊपर निकल जाएगा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे का मतलब 342 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप उषा मार्टिन के स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि दो स्टॉक्स के चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स हैं भाई, मुझे तो देखो मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही दोनों के जो चार्ट है ना बहुत ही क्लासिक लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यार, क्या जबरदस्त चार्ट है, जिसमें उषा मार्टिन का मुझे ग्लेनमार्क फार्मा से बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस था ना वो अब सपोर्ट ले रहा है, ये 330 से लेके 35 के लेवल का, ये इससे नीचे हमें लगता नहीं है कि उषा मार्टिन का स्टॉक जाने वाला है, और टारगेट आपको 370-375 के आ सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों स्टॉक पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए।